संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 भार सोना। अब 60 भार सोने की जब बात आई तो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, दादा यदुवंश दर्पण का प्रमाण है कि 60 भार सोना 7200 किले का होता है। यदुवंश दर्पण का प्रमाण है 60 भार सोना 7200 किले का होता है। आज कहते हैं कि संकल्प में कुंजी और लगाम दे दी, 60 बार सोना और चाहिए। घर पे पहुंचे राजा ने खजांची बुलवाओ आज्ञा दई सोना लाने की। विश्वामित्र ने मुस्कुराए के अरे कह दई बात गाने की। ओ राजा होश ठिकाने है किस पे सेवा करवाता है, ये तेरा नौकर रहा नहीं तू किन पर हुक्म चलाता है, क्या कर रहा है? महाराज एक कुंजी और लगाम मेरे पास है। राजा हरिश्चंद्र बोले नाथ धोखा हो गया, क्या करेगा, खुद बिक जाऊंगा, पत्नी को बेच दूंगा, पुत्र को बेच दूंगा, लेकिन आपका 60 बार सोना अवश्य चुकाऊंगा। पत्नी पे बड़ो भरोसा है, बोले बहुत ज्यादा, हमारी पत्नी बहुत अच्छी है। जवाब दो विश्वामित्र ने, ये राजा अगर कोई चिंता है तो मैं लौट जाऊंगा, तू हमसे मना कर दे, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे परेशान कर रहा हूं। राजा बोले नहीं महाराज, मैं जा रहा हूं और आप नहीं जानते, बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, महाराज कि बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं और दर दर की ठोकर खाऊंगा। समझाया तो घर पे पहुंचे हैं, पत्नी ने आता हुआ देखा, चेहरा उदास है, चरण धोए की चरणामृत लियो नाथ का बात है, आप रोज आते थे तो चेहरा फूल की तरह दमकता था, आज चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, आप उदास क्यों हैं बताइए ना। राजा बोले देवी कछु मत पूछे, क्यों आज एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। अरे तो क्या हुआ, जाने देना, जाने दो महाराज, जो अपना था ही नहीं उसके लिए रोना क्या, लक्ष्मी आज अपनी है कल किसी और की है परसों किसी और की है, ये एक जगह टिकी नहीं है, उस पे आप परेशान मत होना। राजा बोले अरे पगली मैं इसके लिए परेशान नहीं हूं कि राज्य चला गया, फिर
बोले परेशान तो इसलिए हूँ कि राज गया वो तो गया लेकिन 60 बार सोना संत जी को काट, उनका कर्ज है मेरे ऊपर। तो जवाब दो महाराज, इतनी चिंता मत करो, अगर इतनी चिंता है ना तो खुद बिक जाओ, हमें बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुकाओ। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाए डालो, बेचनो कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करके डालो। तीनों प्राणी जब घर से निकले हैं दादा, आज राजा फटी हुई धोती बांधता है, मैया एक फटी हुई साड़ी बांधती है, पुत्र को लंगोटी पहनाई, राजा हरिश्चंद्र अपनी जन्मभूमि मां को प्रणाम करता है। मैया आज तेरा बेटा यहां से जा रहा है, प्रजा के लोग पीछे पीछे भाग रहे, जवाब दिया नाथ कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के। राजा हरिश्चंद्र बोले रोए रोए के मत रुलाओ, ये महात्मा जी है ना, ये आपकी सेवा करेंगे, सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। प्रजा के लोग बोले दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, अरे ये संत क्या जाने राज्य को चलाना। महाराज संत का काम है भगवान का भजन करना और राजा का काम है राज्य संभालना, इसलिए आप कहीं नहीं जा सकते। राजा बोले जाने दो ना, आप परेशान मत करो। और जन्मभूमि मां को प्रणाम करके राजा बोला मैया